कम और कम दो चीज़ें कम से कम खाता हूँ, हाँ एक रोटी चपाती दिन भर में खाता हूँ, हाँ और बहुत परहेज के साथ। अच्छा, वो परहेज ही तो बताइए। परहेज ये मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में था। हाँ 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 बताइए। परहेज ये सादी दाल रोटी या ये मतलब ये कि सब्जी वगैरह ये ज़्यादा। राज्यसभा के अंदर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को लेकर अमित शाह के बयान से विपक्ष भले ही गुस्से में दिखाई पड़ रही हो, लेकिन संसद के बाहर दो नेताओं की बातचीत ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क से 94 साल में भी सेहतमंद रहने का राज पूछ लिया। इस पर शफीकुर रहमान ने जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। कम और कम दो चीजें कम से कम खाता हूँ, हाँ एक रोटी चपाती दिन भर में खाता हूँ, हाँ और बहुत परहेज के साथ। अच्छा, वो परहेज ही तो बताइए। परहेज ये मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में था। हाँ 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 बताइए। परहेज ये सादी दाल रोटी या ये मतलब ये कि सब्जी वगैरह ये ज्यादा। नॉन वेज नहीं लेते? कम लेते। राज्यसभा के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क से पूछा कि आखिर आप 94 साल की उम्र में इतने सेहतमंद कैसे हैं? इस पर बुजुर्ग सपा नेता ने बहुत ही सादगी से कहा कि वो रोटी और दाल खाते हैं। उन्होंने कहा कि वो परहेज के साथ खाना खाते हैं, एक चपाती और सब्जी ही खाते हैं और मांस का सेवन भी बहुत कम करते हैं। इस पर हरनाथ सिंह ने कहा कि आपकी स्मरण शक्ति का क्या राज है। उन्होंने कहा कि परहेज के साथ ही खाना एक विकल्प है। कम और कम दो चीजें कम से कम खाता हूँ, हाँ एक रोटी चपाती दिन भर में खाता हूँ, हाँ और बहुत परहेज के साथ। अच्छा, वो परहेज ही तो बताइए। परहेज ये मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में था। हाँ 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 बताइए। परहेज ये सादी दाल रोटी या ये मतलब ये कि सब्जी वगैरह ये ज़्यादा। नॉन वेज नहीं लेते? कम लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी स्मरण शक्ति भी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। और कितने साल के आप हो गए? मैं 94 साल। 94 साल, हाँ वाइट है अभी 20 उम्र। बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क साल 2019 में समाजवादी पार्टी से संभल लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। शफीकुर रहमान 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने साल 1996 में सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जबकि 2014 में वो बसपा के टिकट पर जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों को लेकर भी खूब चर्चाओं में रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है और मुसलमान इसका पालन नहीं कर सकते। यही नहीं, सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का भी बचाव कर चुके हैं।